I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past. Hello guys, welcome back to my channel. तो आज मैं हूँ KLCC के अंदर. जो ट्विन टावर है वो मैं आपको बाद में दिखाएगा. सबसे पहले जो मलेशिया के कॉलिंग वीजे से रिलेटेड बात कर लेते हैं. तो कॉलिंग वीज़ा मलेशिया ने फ़िलहाल ओपन कर दिया है. 18 जून से मतलब डिक्लेयर कर दिया था इंडिया का पाकिस्तान से वर्कर आने प्लांटेशन के. बाकी जो दूसरी फील्ड है मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन में, रेस्टोरेंट लाइन में, सर्विस सेक्टर में, एग्रीकल्चर में, मतलब जो भी सेक्टर थे सभी ओपन कर दिए हैं. सभी कंपनियों को मतलब कॉलिंग के लिए अप्रूवल देनी स्टार्ट कर दी है. तो जिन भाइयों को भी आना है कॉलिंग पे भी आ सकता है, ट्रैवल वीजे पे भी आ सकता है. तो ओपन कर दिया है. तो अभी जो एंड ऑफ जून में मतलब जो ये महीना ख़त्म होता है जैसे ही वर्कर आने स्टार्ट हो जाएंगे. तो फिलहाल तो अप्रूवल देनी स्टार्ट किया है. काफ़ी भाइयों के मतलब फिंगर मेडिकल होने स्टार्ट हो चुके हैं. तो अभी बात रह जाती है जो न्यू वर्कर आना चाहते हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, मतलब किसी भी कंट्री से वर्क वीजे पे मलेशिया आना चाहते हैं. तो उनका अभी टाइम ख़त्म हो गया है. तो आप भी जो जून, जैसे ही जून का महीना ख़त्म होता है फ़्लाइटें स्टार्ट हो जाएंगी वर्क वीजे वालों के लिए. लेकिन फ़िलहाल ट्रैवल वीजे पे भी आ रहे बंदे, ट्रैवल वीजे पे अगर आ रहे हैं तो आप कंपनियों से कॉन्टैक्ट करें. अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको कॉलिंग वीज़ा प्रोवाइड कर सकते हैं. तो उसके बाद आप वापस जाके वही कंपनी आपको कॉलिंग वीजे पे बुलाएगी, ठीक है ना. तो मैं आपको ट्विन टावर भी दिखा देता हूँ. ये मेरे पीछे ही है. तो मैं यहाँ पर पार्क में बैठा था, वीडियो बना रहा था. तो जिन भाइयों को भी आना है मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ट्रैवल वीजे पे आना चाहते हैं या फिर कॉलिंग वीजे पे आना चाहते हैं तो मेरे से जितनी भी हेल्प होगी मैं हेल्प कर देगा, ठीक है ना. तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये मलेशिया का नज़ारा थोड़ा सा ट्विन टावर का. ये पार्क में हूँ मैं, साइड में ट्विन टावर है, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा प्रीवियसली. मैंने वीडियो तो पहले भी बनाए ट्विन टावर के ऊपर, लेकिन मैं अजय को लेके आया था यहाँ पर. काफ़ी धूप है. ये मेरे पीछे ट्विन टावर है, वहाँ पर अजय बैठा हुआ है, वो छतरी के नीचे वो बैठा हुआ. काफ़ी सुंदर. तो जिन भाइयों को भी आना है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे. तो गाइस ये देख सकते हो ये ट्विन टावर है. ये जो पूरा बना हुआ है स्टील और शीशे का बना हुआ है. तो यहाँ पर मतलब हर रोज़ हज़ारों टूरिस्ट आते हैं घूमने इसको देखने के लिए, हर एक कंट्री से आते हैं. तो ये देखो पीछे भी काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है, बैंक. ये इसके पीछे भी बिल्डिंग है, होटल है ये, जैसे कपड़े के शोरूम, रेस्टोरेंट, होटल. तो अभी हम आगे जाएंगे. अभी हम जा रहे हैं बिल्कुल इसके नीचे, नीचे से शूट करते हैं इसको. देखो काफ़ी शानदार है, काफ़ी शानदार बनाया हुआ है, पूरा स्टील का बना हुआ है और शीशे का. ये देखो ये बिल्डिंग है इधर, इसके ऊपर पूरे बेल की डेकोरेशन की हुई है, घास है देखो ये. अभी हम जा रहे हैं ये वाटर फुहारे हैं, ये काफ़ी शानदार है. ये इधर पार्किंग है, पार्क में बैठ सकते हैं, घूम फिर सकते हैं. ये इधर पार्किंग है ना, काफ़ी मतलब घूमने फिरने का बनाया हुआ है. तो मलेशिया में आते हैं तो आप ट्विन टावर ज़रूर आना, देख के जाना, ठीक है ना. और गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना. यार मैं इतनी मेहनत से वीडियो शूट करता हूँ आपके लिए, तो प्लीज़ यार आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है ना. ये देखो ये मलेशिया है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है मलेशिया के अंदर, लोग ही नहीं वो देखने के लिए आते हैं. तो गाइस ये देखो अजय आया है, मैं इसको घुमाने लेके आया था, KLCC दिखाने इसको मैं.
ये जो मेरे पीछे देखा देख सकते हैं टावर, ट्विन टावर। तो हाँ जी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा है, अच्छा लगा है। घर वालों की याद आ रही है? अभी नहीं आ रही है। फोन नहीं करता मैं। सो गाइस, अजय को आ रही है नींद और ऊपर से भूख भी लगी हुई है और ऊपर से बहुत धूप पड़ रही है। एशिया की गर्मी बहुत तेज़ है। तो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।